हेलो एवरीवन सो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है रिगार्डिंग द केमिकल इवोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन राइट बट इन दैट कॉन्सेप्ट वी हैड टॉक्ड अबाउट ओनली द थियोरीज राइट बट उस टाइम पे हमने कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो कोई डिस्कस नहीं किए थे राइट सो नाउ इन टूडेज लेक्चर फ्रॉम टूडे लेक्चर ऑन वर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस Regarding the evidences, it means some experimental proofs or some proofs, either or anyways ki kistar has the evolution huha. So, how this evolution happened? For that, we are going to learn about the different evidences. So, first of all, let's see the introductory part, then we'll see the evidences regarding the chemical evolution and biological evolution. Okay, so first of all evidence that evolution of life forms has indeed taken place on earth has come from many quarters it means bahut sare alag alag jagahon se alag alag concept ke through हमने ये मतलब uh, experimentally prove प्रूव किया है उस टाइम पे साइंटिस्ट वगैरह ने सबने ये प्रूव किया है कि किस तरह से इवोल्यूशन है वो हुआ है ठीक है सो so, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि केमिकल इवोल्यूशन के भी प्रूफ्स हैं देन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के भी प्रूफ्स हैं सो बाई दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में किस तरह से अर्थ है वो इवॉल्व हुई थी एंड देन कम्स द लाइफ ऑन द अर्थ सो फॉसल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स तो सबसे पहला और कॉमन एविडेंट है वो है फोसल्स तो एज एज यू ऑल नो बाय द हेल्प ऑफ दिस द अर्थ ऑन दर्थ वी कैन से राइट सो अर्थ पे किस तरह के एनिमल्स प्लांट्स वगैरह है वो पाए जाते थे उस टाइम पे तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोसर्स जैसे कि हमें पता है डायनासोर्स राइट सो हाउ वी ऑल नो किस तरह से डायनासोर करके कोई एनिमल थे इतने बड़े साइज के या तो फिर कोई भी इस तरह के शेप के सो बाई देल्प ऑफ फोसल ओनली We that उनके जो स्ट्रक्चर था बॉडी स्ट्रक्चर उसका जो जैसे कि बोन्स वगैरह मिले तो इसके थ्रू हमें पता चला कि कुछ इतना बड़ा कोई एक एनिमल था जो कि पहले हुआ करता था नाव इट विल एक्सटिंक्ट सो सेम वे फोसल्स के थ्रू हम पता कर सकते हैं जो कि पाए जाते हैं रॉक्स में राइट right? क्यों रॉक्स में क्योंकि ओब्वियसली जैसे ही अर्थ पे बहुत सारे लेयर्स है वो दिन भर दिन बनते गए तो जो उस टाइम पे पहले के जमाने में यानी कोई भी एनिमल्स रहे होंगे तो वो जैसे ही वो उनकी डेथ हो गई तो वहां पे वो पड़े रहे फिर ड्यू टू ड्यू टू एयर ड्यू टू विंड ड्यू टू, टू स्ट्रॉम्स तो लेयर्स है वो धूल मिट्टी के लेयर्स है वो बनते गए और वो जो फोसल्स थे वो डीप डाउन अर्थ में जाते गए तो इसीलिए जैसे कि रॉक्स वगैरह में या तो फिर हम कुछ भी खुदाई काम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये फोसल से वो निकलते हैं और उसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये कितने साल पुराने हैं। सो रॉक्स फ्रॉम सेडिमेंट्स एंड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट्स द अरेन्जमेंट ऑफ सेडिमेंट्स वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ तो ये हमें पता चला कैसे सो अर्थ क्रस्ट में जैसे ही हमने देखा सेडिमेंट्स को तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हम कुछ भी अर्थ क्रस्ट है यानी उसमें हम देखें तो बहुत सारे लेयर्स होते हैं जैसे कि पहले मिट्टी का लेयर होता है देन कम्स द बिग साइज पार्टिकल्स ऑफ द सेंड देन रॉक्स एंड देन कम्स द वॉटर राइट तो ये जैसे कि हम लोग बोरवेल्स भी बनाते हैं घरों में तो ये पानी जो आता है तो अगर आपने देखा हो कभी उनको बनाते हुए तो बहुत सारे लेयर्स होते हैं देन कम्स द वॉटर राइट सो सेम वे ये जो भी Uh, उस टाइम के पहले के जो भी एनिमल्स uh, वगैरह थे उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं सारे वो हमें कैसे पता चले सो बिकॉज ऑफ दर बोन स्ट्रक्चर राइट तो उसकी वजह से हमें पता चले कि इस तरह के एनिमल्स हुआ करते थे सो डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स वो प्रोबेबली डाइट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेडिमेंट यानी हम जैसे ही अर्थ क्रस्ट में देखेंगे तो हमें जिस किसी भी लेयर में वो मिलते हैं जिस किसी भी सेडिमेंट्स में वो हमें मिलते हैं उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि, कि कितने सालों पहले ये वहां पे होंगे क्योंकि मान लो अभी हमें कुछ भी अर्थ क्रस्ट में बहुत डीप डाउन कुछ भी चीजें हैं ये मिल रही ठीक है तो जो भी लेयर में यानी रॉक के जो भी लेयर में से हमें ये फोसल्स मिलते हैं तो हम ये ये मान के चल सकते हैं कि उस टाइम पे सबसे ऊपर का जो लेयर था वो इस रोक का था फिर अभी भले ही हमने देखा कि चार लेयर बाद रोक का वो फॉर्म आ रहा है बट वहां पे फॉसल है इट मीनस ये जो फोसेल्स यानी वो जब जिंदा थे लाइव एनिमल थे उस टाइम पे सबसे अपर मोस्ट लेयर ये हुआ करता था राइट तभी तो उसके ऊपर ये हैं सारे फोसेल्स क्योंकि वो ऑब्वियसली वो, वो अपने आप तो डिप डाउन जाएंगे नहीं अर्थ क्रस्ट में तो वो डिप डाउन किस लिए पाए जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर है वो बहुत सारे लेयर्स बन गए ठीक है वो अपने आप अंदर नहीं गए लेयर्स हैं ये ऊपर बन गए वो जो भी लेयर में हमें रोक के मिलते हैं वहां पे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतने सालों पुराने हैं एंड एज यू ऑल नो कि अर्थ का जो अपर लेयर है उसको बनने में मिनिमम 500 से 600 साल है वो मिनिमम लगते एक लेयर को बनने के लिए दैट इज वाई वी ऑल आर सेइंग कि फर्टिलाइजर्स है उसको कम यूज करना चाहिए बिकॉज एक बार अगर सोइल की फर्टिलिटी चली गई देन द न्यू फॉर्मेशन ऑफ दैट फर्टाइल सोयल विल टेक लॉट्स ऑफ इयर्स इन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स राइट सो दैट इज हाउ एंड सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म एंड दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डायनोसोर्स तो ये जो एनिमल्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अभी नहीं पाए जाते हैं बट उनके कुछ सिमिलर ऑर्गेनिज्म वैसे ही कुछ आज के टाइम में भी लाइव प्रेजेंट है वो पाए जाते हैं तो ये कैसे पता चला हमें तो एक तो चीज ये है कि बाय द टाइम ऑफ इवोल्यूशन ऑब्वियसली सेम टू सेम नहीं है चेंजेस आते गए बिकॉज ऑफ डीएनए म्यूटेशन बिकॉज ऑफ यूजफुलनेस ऑफ द ऑर्गन ऑफ देयर बॉडी तो इसकी वजह से बॉडी पार्ट्स में चेंजेस आते गए जैसे कि आप लोग देखोगे आज के होमोसेपियंस यानी ह्यूमन्स और जब वो बने थे उनके एंसेस्टर जैसे कि वी कैन कॉल इट चिंपांज राइट तो उनके बॉडी स्ट्रक्चर में आप देखो या तो फिर आदि मानव जिसे हम बोलते हैं उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखो और आज के ह्यूमंस को देखो राइट right? तो वी वी एज ऑल नो कि इवोल्व हम उसमें से हुए हैं बट उनका बॉडी टाइप और हमारा बॉडी टाइप इट हैज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस राइट तो सेम वे ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि आज की तादाद में पाए जाते हैं जो कि बने हैं जो कि एक हायर की मे है जिसके एंसेस्टर है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जिसमें हमने एग्जाम्पल अभी देखा है इधर डायनासोर का तो मैं अभी उसको इमेज है वो आपको दिखाऊंगी जो कि आपकी टेक्स्ट बुक की ही इमेज है कि डायनासोर से मिलते हुए कुछ एनिमल्स है जो कि ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और कुछ है कि जो कि आज के दिन में भी पाए जाते हैं ठीक है तो उसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि नहीं ये आ, सही में इस तरह के एनिमल्स हैं वो पाए जाते थे बाई दिस काइंड ऑफ प्रूफ लाइव प्रूफ राइट की आज की तारीख में वो ऐसे एनिमल जिंदा भी हैं कुछ कुछ ठीक है तो और दूसरा है फोसल्स के थ्रू भी हमें पता चला है सो दिस आर ऑल्सो वन काइंड ऑफ एविडेंस ओनली सो इट इज नॉट अ conceptualized theory or it is not a imaginary theory there is a proof about their existence once upon a time right so let's see first the image then we'll continue with the introduction okay so students जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये क्या है एक फैमिली ट्री है किसका डायनासोर्स का तो यानी जो ये डायनासोर्स की स्पीसीज है उसकी जो हायर की है पहले है से लेके अब तक की अगर हम देखें तो कौन सी हायर की में कौन कौन से एनिमल्स हैं वो पाए गए हैं जो कि पहले एक्सटिंग भी हो चुके हैं और आज की तादाद में कोई जिंदा भी है ठीक है so सो पहले तो अगर हम इसमें इमेज में देखें तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले अ फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिजम्स लाइक क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स तो इस तरह के हाल में क्रोकोडाइल्स और कुछ बर्ड्स हैं जो कि एक्सटिंट भी हो चुके हैं और कुछ पाए भी जाते हैं जैसे कि आप लोगों को पता है क्रोकोडाइल्स राइट तो right? तो वो कौन कौन से है? तो सबसे पहला है प्रेसियोसोरस जो कि सबसे पहला एनिमल इधर आप देख सकते हो हायरकी में और दूसरा है स्टिगोसोरस जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं नहीं पाए जाते ये डायनासोर्स के भी आ, आ, मिलते जुलते फैमिली मेंबर्स हैं वी कैन से फैमिली ट्री में तो ये दो हैं जो कि पाए नहीं जाते हैं अभी देन है नेक्स्ट आर्क्योपेट्रिक्स जो कि बर्ड्स थे तो ये भी इन्हीं की एक फैमिली ट्री के ही एक पार्ट है इन्हीं के इवोल्यूशन के एक पार्ट है जो कि बर्ड्स हैं बट वो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इतने नहीं देखने को मिलते हैं आज की तादाद में देन कम्स द क्रोकोडाइल तो ये हमने देखा है इसको अगर आप सिमिलरिटीज की बात करो बाय द अपीरियंस ओबिय सम इंटरनल पार्ट एज वेल एज आउटर अपीरियंस इन दोनों में ये मिलते हैं किससे डायनासोर से सो सोबियसली लेग्स एंड ऑल आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ देर यूज राइट जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसका अगर यूज ना हो तो वो नहीं इतना फंक्शनल फंक्शनली एक्टिव रहते हैं दूसरे हैं कि कोई कोई ऑर्गन है जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है लाइक मसल्स एंड ऑल तो वो ज्यादा अमाउंट में डेवलप होते हैं सेम इन्यूमन ह्यूमन इवोल्यूशन ऑल्सो जैसे कि हम टेल की बात करें तो इन सब में टेल ही हुआ करती थी बट देर इज नो मोर यूज ऑफ इट सो धीरे धीरे करके ये क्या होती गई डिस्ट्रॉय होती गई ठीक है और आज के अगर ह्यूमंस में देखो तो टेल इट इज नॉट देयर राइट सो सेम वे जो भी ऑर्गन्स थे उसका यूज कम होता गया वो एक्सटिंक्ट uh, होते गए वी कंस और डिस्ट्रॉय होते गए तो जिसका यूज बढ़ गया जैसे कि पैरों का यूज है वो बढ़ गया तो पैरों के मसल्स है वो स्ट्रॉग होते लग, होते गए और ज्यादा क्योंकि उसका यूज है वो बढ़ गया राइट तो सेम वे इन दिस ऑल्सो लेग्स इतना बड़ा एनिमल था जिसके लेग्स का यूज है वो धीरे धीरे करके वो कम होता गया एंड दे बिकम द स्क्रोलिंग एनिमल्स क्योंकि वेट उनका ज्यादा होता है जैसे कि क्रोकोडाइल है तो ये लेग के फॉर्मेशन में चेंजेस आए बाय द अपीयरेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द मोर्फोलॉजिकल चेंज राइट इंटरनल चेंजेस ऑल्सो बट वो अभी हम इधर नहीं डिस्कस करेंगे तो अगर अपियरेंस की हम दूसरी बात करें चेंजेस की तो जैसे कि आप देख सकते हो स्काल्प क्रोकोडाइल की अगर स्किन देखोगे आप जो कि स्का्प लाइक होती है तो इंच जैसे शॉर्ट शॉर्ट फ्रेगमेंट से वो आपको अगर देखने को मिलेंगे रफ सर्फेस होती है सेम सर्फेस और सेम स्किन हुआ करती थी डायनासोर्स वगैरह में भी तो इधर भी आप इमेज में देख सकते हो जैसे कि ये एक इमेज देख लो और इस क्रोकोडाइल की स्किन ऊपर का पार्ट देखोगे तो सेम ऐसे फॉलिकल्स लाइक स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेंगे ठीक है सो इट इज ऑल्सो सजेस्टेड दे दे आर कम फ्रॉम द सेम एंसेस्टर्स क्योंकि ये ऑलमोस्ट कुछ स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है देन सिमिलरली पेट्रिंडन एंड नेक्स्ट है टायरेनोसोरस एंड ट्रेसरॉप्स तो ये भी उनकी ही एक फैमिली का पार्ट है जो कि जिसमें से ये कोई भी एनिमल है वो पाए नहीं जाते दे ऑल विल दे ऑल बिकम एक्सटिंक्ट बट नाउ ओनली वन विल रिमेन वो था क्रोकोडाइल जो आज की तादाद में भी हैं और शायद आगे भी कुछ सालों तक हम उनको देख ही सकते हैं इतने तो हैं अभी है ना सो दिस आर द काइंड ऑफ एनिमल्स जो कि एक फैमिली ट्री में एक हारकी में आते हैं जो कि जिसमें से आधे हैं वो नहीं है आधे हैं कुछ वो पाए भी जाते हैं ठीक है सो देट इज हाउ वी कैन से कि सम ऑफ देम अपियर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म एंड दे रिप्रेजेंट द एक्सटिंट ऑर्गेनिज्म जैसे कि डायनासोर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये क्रोकोडाइल्स बाय सम और द अदर वे इंटरनल और मोर्फोलॉजिकल चेंजेस के थ्रू वी कैन आईड वी कैन गेट द आइडिया दट यस दे आर केम फ्रॉम द सेम एनसेस्टर ओके सो नेक्स्ट बात करते हैं रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन फॉर द मोर सो नेक्स्ट है A study of fossils in different sedimentary layers indicates the geological period in which they existed. So जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस किसी भी layer में ये fossils पाए जाते हैं उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सालों पुराने ये fossils होंगे ठीक है क्योंकि उतने ऊपर लेयर बन गए होंगे तो उसकी वजह से हमें पता चलेगा कि इतने सालों पहले हुआ करते थे तभी वो उस लेयर में पाए गए ठीक है स्टडी शोड दैट लाइफ फॉर्म्स वेरिड ओवर टाइम एंड सर्टिन लाइफ फॉर्म्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम तो ओब्वियसली ये स्टडी अगर हम इवोल्यूशन के स्टडी देखें तो हमें पता चलता है कि कुछ लाइफ फॉर्म्स है जो की पहले पाए जाते थे उनके ही आगे भी आज के दिन में भी पाए जाते हैं कुछ एनिमल्स बट विथ कुछ वेरिएशन राइट सो विथ सम वेरिएशन देर आर सम एनिमल्स विच रिजेंबर्स द अर्यर वंस और कुछ लाइफ फॉर्म्स है वो उसी टाइम पे एक्सटिंक्ट हो गए ना ही उनके कोई दूसरे रूप भी पाए जाते हैं और ना ही कुछ भी एविडेंसेस भी हैं सो हेंस न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट अ डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड ऑल दिस इज कॉल्ड प्लेंटोलॉजिकल एविडेंसेस ठीक है so hence, तो इसी को हम कह सकते हैं इसी एविडेंसेस के थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड कि कुछ लाइफ फॉर्म्स है वो उसमें चेंजेस हो होते गए और कुछ नए बन गए और कुछ है वो बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो गए ना अभी उसकी कोई भी जनरेशन है वो देखने को नहीं मिल रही है विथ और विदाउट चेंजेस ओके सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट नाउ लेट्स सी वन टेक्निक जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग जिसके थ्रू हम कितने सालों पुराने फोसेल्स है वो पता कर सकते हैं सो so, दिस इज जस्ट फॉर योर इंट्रोडक्टरी पार्ट और कुछ एमसीक्यू कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिलेवेंट हैं कुछ पॉइंट ओब्बियसली आपकी ये टेक्स बुक का टॉपिक नहीं है बट देन ऑल्सो अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं और इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं सो वी मस्ट नो अबाउट द रेडियो डेटिंग हम पता कैसे करते हैं कि कितने सालों पुराने फोर्सल्स हैं राइट सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डेटिंग और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट कार्बन डेटिंग सो इट इज यूज टू डेट रॉक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द नॉन डिकेइंग रेट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी रोग वगैरह में जो कार्बन uh, प्रेजेंट है जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के फॉर्म में है उसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि ये कितने सालों पुराने हैं नाउ कैसे सो लेट्स टेक्निक इन वेरी ब्रीफली वी आर स्टडिंग बिकॉज ओबीसी ये टॉपिक हम थ्योरी का नहीं है तो इतनी डिटेल में डेफ्थ में नहीं जाएंगे जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे होता है और जो भी लाइंस जो भी पॉइंट्स है कि एमसीक्यू में आपको यूज होंगे तो उतना ही हमने अभी कवर किया है वन डे विल टेक वन होल लेक्चर अबाउट रेडियो एक्टिव डेटिंग विथ एग्जाम्पल्स एंड मेनी मोर थिंग्स बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ फ्यू पॉइंट्स जिससे आपको पता चले कि ये टेक्निक होती क्या ठीक है सो यर वी कैलकुलेट देयर हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव डेटिंग में हम क्या करते हैं किसी भी मोलिक्यूल की जो कि रेडियो आइसोटोप है उसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट की जाती है सो हाफ लाइफ मीन्स क्या सो अल्टीमेटली दे गिवन ऑफ ऑल ऑफ इट्स रेडियेशन एंड बींग नॉन रेडियो एक्टिव तो कोई भी रेडियो एक्टिव मोलिक्यूल है वो अपने रेडिएशन है वो सीक्रेट करते रहते हैं कब तक जब तक कि वो वापस नॉर्मल नहीं हो जाते रेडियो एक्टिव मीन्स दे आर हाई एनर्जेटिक राइट तो जब तक वो अपनी सारी एक्स्ट्रा एनर्जीज है वो रिलीज नहीं कर देते हैं और वापस नॉर्मल मोलिक्यूल में नहीं आ जाते हैं तब तक उसकी ये रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो चालू रहती है तो हाफ लाइफ मीन्स वर्ट कि हाफ ऑफ द मोलिक्यूल है वो अभी उसने अपनी रेडिएशन है वो बाहर निकाल ली है यानी खत्म हो गई है एंड हाफ इज स्टिल सो इट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ठीक है यानी जो रेडिएशन पीरियड है उनका वो हाफ खत्म हो गया है हाफ अभी बाकी है हाफ तो लाइफ उनकी काउंट की जाती है ठीक है सपोज इफ वी से कि किसी भी मोलिक्यूल की हाफ लाइफ है वो एट ईयर्स है इट मीनस इन सिक्सटीन ईयर्स इट विल बी कंप्लीटली फ्रॉम रेडियो एक्टिव टू नॉन रेडियो एक्टिव नॉन क्लियर ओके द आइसोटॉफ फोर्टीन सी यानी फोर्टीन कार्बन अ रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बन इज प्रोड्यूस्ड इन द अपर एटमोसफियर बाय न्यूट्रॉन्स स्ट्राइकिंग फोर्टीन एंड न्यूक्लियर तो जैसे कि कार्बन अभी बहुत ही कॉमन है हर किसी ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है बट कार्बन का जो आइसोटोप है रेडियो एक्टिव उसका फॉर्म है यानी हाईली रिएक्टिव फॉर्म है वो है 14C। ठीक है ये कहाँ पे बनता है एटमोस्फियर में ये पाया जाता है नाउ द न्यूट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय द 14n न्यूक्लियस एंड नॉक्स आउट अ प्रोटॉन और प्रोटॉन को नॉक आउट कर देता है दस वी हैव अ डिफरेंट एलिमेंट विच इज फोर्टीन सी ये कार्बन का आइसोटोप कैसे बना उसकी हमने बात की है इधर जैसे कि मैंने कहा ज्यादा डिटेल में में हम नहीं जाएंगे पूरी प्रोसेस इट इज अ केमिस्ट्री बेस्ड टॉपिक और जो कि अभी हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे ठीक है उसके बारे में हम पूरा एक लेक्चर है वो एक दिन कवर करेंगे अभी नहीं सो so, इस तरह से ये फोर्टीन कार्बन है वो बन जाता है यानी आइसोटोप तो बन जाता है ठीक है नाउ द आइसोटोप फोर्टीन सी इज ट्रांसपोर्टेड एज फोर्टीन सी टू अब ये जो कार्बन का आइसोटोप बन गया वो जैसे ही सीओ टू बनता है तो उसमें जो कार्बन है वो अभी कई बार कौन सा आ जाता है ये आइसोटोप वाला कार्बन आ जाता है ठीक है यानी फोर्टीन सी सीओ टू में यूज होता है नाउ एंड देन सीओ टू एब्सॉर्व बाय प्लांट्स ओबीसी प्लांट है वो सीओ टू यूज करते हैं तो भी ये, ये CO2 भी तो आ जाएगा फोर्टिन सी वाला भी प्लांट को थोड़ी पता है कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना सो ओबीसी देर मस्ट बी ए फोर्टीन सी सीओ टू ऑल्सो एंड दिस प्लांट इज इज इटन बाय द एनिमल्स और इस तरह के प्लांट्स में जैसे ये फोर्टीन सी आ गया अब इस प्लांट को खाते हैं दूसरे एनिमल्स तो इसका मतलब ये जो कार्बन का एसोटोप है वो थ्रू द होल पिरामिडल वी कैन से लेयर्स यानी सारे ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है अल्टीमेटली ठीक है तो ये नेचुरली ही ये चीजें पाई जाती है नाउ इफ वी वे इफ यू वे टू मेजर द रेशियो ऑफ फोर्टीन सी टू ट्वेल्व सी टूडे वी वुड फाइंड अ वैल्यू ऑफ अबाउट सी एटम फॉर इच वन ट्रिलियन टी एटम्स तो अगर हम फोर्टीन सी का रेशियो देखे कोई भी किसी भी बॉडी में किसी भी, आ, लिविंग भी में, के में, उनका रेशियो देखे कंपेयर टू ट्वेल्व सी फोर्टीन सी का रेशियो तो हमें है उसकी वेल्यू है वो पता चलेगी ठीक है दिस रेशियो क्यों ऐसा क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यानी फोर्टीन सी है रेडियो एक्टिव कार्बन है तो उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी वो तब तक रेडिएशन है वो निकालता रहेगा जब तक कि वो वापस नॉर्मल कार्बन नहीं हो जाए ठीक है तो इवन आफ्टर ऑर्गेनिज्म विल डाई उसके बाद भी ये कार्बन है वो अपने में से क्या करते रेडिएशन है? है वो निकालता रहेगा कब तक कितने सालों तक जब तक कि वो नॉर्मल नहीं हो जाए ठीक है सो दिस रेशियो इज द सेम फॉर ऑल लिविंग थिंग्स जैसे कि ह्यूमन ट्रीज आलगी एक्सेट्रा सबका ये रेशियो कार्बन का सेम ही होता है उसकी हाफ लाइफ भी सेम ही होती है सो वांस लिविंग थिंग्स डाय दे नो लोंगर कैन एक्सचेंज कार्बन विथ द इनवायमेंट तो अभी कोई भी सपोज uh, मर जाता है कोई भी लिविंग बिंग है तो ओबीसी अभी एनवायमेंट के साथ अपना कार्बन का एक्सचेंज नहीं कर सकती यानी उसके बॉडी में जितने भी फोर्टीन कार्बन है बच्चे हैं वो वही रहेंगे उसका कोई एक्सचेंज नहीं होगा ठीक है द आइसट ऑफ फोर्टीन सी इज रेडियो एक्टिव एंड बीटा डी के इज विथ अफ लाइफ ऑफ फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड थर्टी ईयर्स देखो ये हाफ लाइफ कितनी बड़ी है पांच हजार सात सौ तीस तो इतनी बड़ी हाफ लाइफ है उसकी जो कि किसकी फोर्टीन सी की तो यानी उसकी हाफ रेडिएशन खत्म होगी कब फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड थर्टी ईयर्स में तो अगर पूरा वो नॉर्मल होने में उसको कितना टाइम लगेगा डबल इज से राइट right? और ये बीटा डेकिंग यानी बीटा रेडिएशन है वो सिक्रेट करता है ठीक है दिस मीन्स

हाफ फोर्टीन सी है वो क्या बन गए होंगे नॉर्मल हो गए होंगे ठीक है सो वी कैन मेजर दिस चेंज बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी सो अगर हम किसी भी प्रोसेस के पार्ट को लेके उसमें ये कार्बन डेटिंग करें हम और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से चेक करें तो पता चलेगा कि कार्बन का जो डीकेइंग रेशियो है वो कितना हुआ है ठीक है अभी उसके हमें हाफ लाइफ पता है क्या होती है तो मान लो अभी ये डिकेइंग रेट है यानी पूरा जो कार्बन है उसकी रेडिएशन है वो हंड्रेड परसेंट में से अभी मान लो सेवेंटी परसेंट रही तो इसका मतलब थर्टी परसेंट रेडिएशन है इट विल ऑलरेडी एलिमिनेटेड राइट तो अभी इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि थर्टी परसेंट रेडिएशन निकल गई है तो हम ये पता कर सकते हैं कि उसकी हाफ लाइफ में से थर्टी परसेंट है वो ऑलरेडी उसने गुजार दी है यानी इतने सालों पुराना ये फौसल है आई समझ में तो इस तरह से ये थ्रू द कार्बन डेटिंग वी कैन कॉल और आइसोटोप की मदद से और लास्ट में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम पता कर सकते किसी भी फोसल की एज को ओके सो दिस इज अबाउट द रेडियोक्टिव डीकेज ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट इन समस्ट्रा पॉइंट नाउ लेट्स सी द एविडेंसिस इन फेवर ऑफ केमिकल इवोल्यूशन अब ये जो केमिकल इवोल्यूशन हुआ उसके एग्जाम्पल हैं वो विथ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखते हैं कि पता कैसे चला कि सबसे पहले कौन से केमिकल्स बने और क्यों बने तो ये बातें तो कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने कि ये बना हो सकता है ये वो बना हो सकता है पर उसका प्रूफ क्या है सो लेट्स सी नाउ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दैट ठीक है जिसमें सबसे पहला है हेरोल्ड यूरी एंड स्टेनली मिलर एक्सपेरिमेंट टली यूरियन मिलर्स एक्सपेरिमेंट तो ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया और किया जिससे पता चला कि अर्थ पे शुरू में प्रिमिटिव अर्थ पे किस तरह से एटमोसफियर बनना शुरू हुआ सबसे पहले कौन सी चीजें आई और किस तरह से ये बायोलॉजिकल मोलिक्यूल वो बने होंगे ठीक है सो इन नाइनटीन फिफ्टी मिलर एंड अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन लैबोरेटरी स्केल विच वेर थॉट टू बी ऑन प्रिमिटिव अर्थ तो उन्होंने तो जिस तरह का टेम्परेचर था वैसे ही कुछ कंडीशन उन्होंने तैयार की लेबोरेटरी में जस्ट टू चेक और जस्ट टू सी फिर उसके बाद हुआ क्या तो पहले तो जैसा प्रिमिटिव अर्थ में जिस तरह का एटमोस्फियर था जितने कुछ थोड़े बहुत गैशियस मोलिक्यूल्स थे टेम्परेचर हाई था सेम वैसी कंडीशन है उन्होंने लेबोरेटरी में तैयार की सो इस तरह से शुरू किया 1953 में एक्सपेरिमेंट यूरी और मिलर ने ठीक है नेक्स्ट ही टूक सम गैशियस मोलिक्यूल जैसे कि मिथेन सी एच फोर अमोनिया NH3 थ्री और हाइड्रोजन एंड वॉटर वेपर एट एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इन अ लार्ज Plask. और इसका रेशियो था टू इज टू वन इज टू टू तो फिर इस तरह के पहले कैशियस मोलिक्यूल लिए और वाटर वेपर तो शुरू में अर्थ पे हमें हाइड्रोजन ही थे जिसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा था राइट right? तो यह हमें पता है अभी हम केमिकल इवोल्यूशन में ये चीजें पढ़ चुके हैं क्या था ओब्वियसली uh, सबसे ज्यादा अर्थ है वो बहुत ही गर्म थी उस टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा था तो इसका मतलब वॉटर नहीं था बट वॉटर की वेपर प्रेजेंट थी और उन्होंने फिर टेम्परेचर रखा 800 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस जो कि ओबीसी ज्यादा ही है कोई भी मोलिक्यूल uh, वगैरह है वो अपने लिक्विड स्टेट में इतने ज्यादा डिग्री uh, सेल्सियस पे नहीं रह सकते हैं। तो सारे ये वेपर फॉर्म में गैश फॉर्म में ही थे तो ऐसा कुछ लार्ज फ्लास्क में कंडीशन है वो उन्होंने रेडी की देन ही क्रिएटेड अ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बाय यूजिंग टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी तो जैसे कि शुरू में अर्थ पे बहुत लाइटनिंग हुआ करती थी है ना बिजली बहुत ही ज्यादा होती थी तो उसी तरह का एनवायरमेंट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स को लेके स्पार्क जनरेट किया यानी जैसे कि बिजली होती है लाइटनिंग होती है सेम कंडीशन उन्होंने वहां लेबोरेटरी में जनरेट की तो प्रिमेटिव गैस, गैसियस मोलिक्यूल को वहां पे लिया टेम्परेचर हाई रखा और दूसरा लाइटनिंग जैसा ही इलेक्ट्रोड्स के थ्रू स्पार्क है वो जनरेट किया देन ही अलाउड दिस मिक्सचर टू कूल डाउन इन कंडेंसर एंड इट बिकम लिक्विड फिर जैसे कि हमें पता है अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके कूल डाउन होता गया और ये सारे जो वेपर फॉर्म में थे वो अब क्या किस में कन्वर्ट हो गए लिक्विड फॉर्म में ठीक है तो सेम कंडीशन उन्होंने लेब में चालू की कि कंडेंसर एक रखा तो जैसे ही फिर ये सारे गैश मोलिक्यूल है वो कंडेंसर में से पास होते हैं तो वहां पे वो कूल डाउन हो जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा गर्म थे इसलिए फिर कंडेंसर के एंड में वो दूसरा फ्लास्क रखा जहां पे वो लिक्विड फॉर्म में सारे कलेक्ट हो गए रिएक्शन ही क्रोमेटोग्राफी ही डीड क्रोमेटोग्राफी ऑन दिस लिक्विड मिक्सचर फिर क्या क्या इस जो ये जो भी मिक्सचर बना कंडेंसर में से आया तो बस इसमें अब ये सारे मोलिक्यूल्स आपस में घुल गए होंगे कुछ रिएक्शन की होगी कुछ नए मोलिक्यूल्स बनाए होंगे उसने फिर उन्होंने इस मिक्सचर में क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज की जस्ट टू सेपरेट आउट डिफरेंट मोलिक्यूल्स ताकि पता चले कि कौन कौन से नए मोलिक्यूल्स हैं वो बने हैं तो फिर उसके ऊपर उन्होंने क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है वो अप्लाई की एंड देन ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल अमाइनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड एज वेल एज हाइड्रोक्सी एसिड ऑल्सो तो ये तीन तरह के सिंपल अमाइनो एसिड उसको मिक्सचर में क्रोमेटोग्राफी के थ्रू पाए गए जो कि उन्होंने लिए तो नहीं थे एक्सपेरिमेंट में राइट बट फिर भी जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होके आई सारी वेपर तो अमाइनो एसिड बन गए थे उसमें इसका क्या सीधा मतलब हुआ कि जो शुरू के गैशियस मोलिक्यूल थे उसमें जैसे ही ये लाइटनिंग हुई यानी अल्ट्रावायलेट लाइट जो कि डायरेक्टली सनलाइट में से आई थी और ये स्पार्क जनरेट हुआ उसके थ्रू कोई रिएक्शन हुई जिसकी वजह से ये बायो मोलिक्यूल्स बने क्योंकि पहले डाले तो नहीं थे इन लोगों ने फ्लास्क में तो ये बन कैसे गए है ना और दूसरा कुछ एनवायरमेंट वहां पर रखा भी नहीं था सिंपल प्रोटोकॉल uh, था सिंपल एक्सपेरिमेंट था जो कि अर्थ पे भी प्रिमिटिव एनवायरमेंट बहुत ही सिंपल था तो उससे ये हैं वो जनरेट हुए सो ही टोल्ड दैट ऑन प्रिमिटिव अर्थ अमाइनो एसिड्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ यूवी रेस एंड लाइटनिंग इफेक्ट तो फिर उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया बाय दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट किस तरह से लाइटनिंग के थ्रू ये अमाइनो एसिड बने होंगे नाउ इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंट तो किए और अलग अलग तरह का इस तरह का इन्वायमेंट बना के चेक किया तो क्रोमोटोग्राफी के थ्रू तो उनको ऐसे सारे अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स है वो मिले वो पाए गए ऑब्वियसली क्योंकि जैसे ही टेक्निक्स है वो एडवांस होती गई वैसे ही ज्यादा मोलिक्यूल्स भी ये लोग डिस्टिंग कर पाए क्योंकि शुरू में तो ये मोलेक्यूल्स को सेपरेट करने की टेक्निक्स भी इवोल्व नहीं हुई थी तो ये लोग पता कैसे करी साइंटिस्ट सब कि क्या क्या मोलिक्यूल्स बने होंगे तो सिंपल सी मेथड है वो यूज करते थे तो ओबीसी उनको कुछ ही मोलेक्यूल है वो पता चले कि क्या बने होंगे जैसे ही टेक्निक्स है वो एडवांस होती गई तो इस तरह से इन साइंटिस्ट को भी एक्सपेरिमेंट में ज्यादा चीजें हैं वो मिलती गई कि कुछ एक दो मोलिक्यूल्स नहीं बहुत बल्कि बहुत सारे मोलेक्यूल्स हैं वो इस तरह से इस तरह के प्रिमिटिव एनवायरमेंट में धीरे धीरे करके बनते गए क्लियर वैसे बाय द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उनको पता चला कि ये बायोमोलिक्यूल है वो नहीं कोई और प्लेनेट से आए बल्कि इधर ही 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 अर्थ पे एनवायरमेंट में ही ये जो जो लाइटनिंग हुई यूवी रेज आते गए और अलग अलग फॉर्मेशन में ये सारे मोलिक्यूल के इस तरह से मैक्रो मोलिक्यूल्स है वो बनाते गए एंड देन कम्स अ बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स क्लियर तो ये सेटअप है जो कि डायग्राम में आप देख सकते हो यूरियन बिलर का जिन्होंने क्या किया पहले एक फ्लास्क में ये सारे गैसेस मोलिक्यूल लिए सी एच फोर अमोनिया वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन फिर दो इलेक्ट्रोड टंगस्टन इलेक्ट्रोड से उन्होंने क्या किया लाइटनिंग यानी स्पार्क है वो जनरेट किया so, तो तो रिएक्शन हुआ और कुछ नई चीजें बनी ठीक है अभी उनको नहीं पता है क्या चीजें बनी फिर क्या किया उन्होंने इधर एक ये कंडेंसर आप देख सकते हो वो कंडेंसर लिया जैसे कि आपको उसका स्ट्रक्चर पता है कंडेंसर का एक साइड से वोटर है वो पास होता है है दूसरी साइड से निकलता है. तो ये के थ्रू क्या हो जाएगा जैसे ही गैशियस मोलिक्यूल से पास होंगे वो ठंडे हो जाएंगे कूल डाउन हो जाएंगे ठीक है और कंडेंसर के नीचे ये वॉटर ड्रॉपलेट्स में सारे इधर इकट्ठा हो जाएंगे तो ये जो गैश मॉलिक्यूल थे वो वॉटर में कन्वर्ट हो गए ठीक है यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए इधर से फिर वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कम्पाउंड ना ये जो नई चीजें बनी होंगी वो सारे इधर लिक्विड फॉर्म में आ गई तो यहाँ से ये वाल्व के थ्रू उन्होंने कलेक्ट कर लिया थोड़ा सैम्पल देखने के लिए कि क्या क्या चीजें बनी जिसके ऊपर उन्होंने क्या परफॉर्म किया क्रोमेटोग्राफी ठीक है और ये वाटर वेपर भी उन्होंने किस तरह से बनाई तो बॉइलिंग वाटर लिया इधर 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया तो ये वाटर वेपर भी इधर आई होगी ये सारे गैशियस मॉलिक्यूल्स भी इधर पहले से डाल के रखे थे और इलेक्ट्रोड के थ्रू स्पार्क जनरेट किया तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो कि प्रिमेटिव अर्थ पे पाया जाता था सेम वैसी कंडीशन है वो यूरी और मिलर ने एक्सपेरिमेंट लेब में किया ठीक है और क्रोमेटोग्राफी थ्रू उनको पता भी चला कि कुछ अमाइनो एसिड है फिर कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ अलग अलग हाइड्रोक्सी एसिड है ये सारी चीजें बन जो कि डाली तो नहीं थी उन्होंने बट बन गई ओके सो दिस इज द यूरी एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट ओके और ये उनका सेटअप है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये चीजें याद रखनी है एमसीक्यू के लिए भी हाईलाइटेड वर्ड है वो आपको याद रखना है एंड द सेकंड केमिकल इवोल्यूशन का जो प्रूफ है सेकंड है जो कि बहुत ही शॉर्ट है एविडेंसेस फ्रॉम एविडेंसिस तो अभी मेटोर से, से भी पता चला कुछ एविडेंस है वो कैसे सो एनालिसिस ऑफ मेटोराइट कंटेंट ऑल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेसिस आर अकरिंग एल्सर इन स्पेस तो जैसे कि मेटेरोइड्स का भी डिसेक्शन किया उसको तोड़ के देखा गया तो उसके अंदर भी जैसे कि प्रिमिटिव अर्थ पे प्रिमिटिव रॉक्स पे जो चीजें पाई गई सेम वैसा कंटेंट वैसा ही मटेरियल ये मेटेरोइड्स में भी पाया गया तो ये मेटेरोइड्स आते बाहर से हैं अर्थ पे नहीं है वो, वो अंतरिक्ष में से यूनिवर्स में से आते हैं तो इसी वजह से ये साइंटिस्ट को पता चला सबको कि जैसे कि अर्थ पे प्रिमिटिव एटमोसफियर था वैसा ही कहीं और भी प्लेनेट पे कुछ प्रीमेटिव एटमोसफियर है जो कि अभी इवोल्यूशन uh, में है यानी नई नई चीजें बन रही होगी क्योंकि वैसा ही मेट्रोइ्स में पाया गया जैसा हमारी अर्थ पे प्रिमेटिव एटमोसफियर में चीजें थी सो दिस आर द सम एविडेंसेज फ्रॉम मेटरोइड्स ऑल्सो सो दिस आर द केमिकल एविडेंसेस इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर फ्यू मोर एविडेंसेज रिगार्डिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एविडेंसेस ओके दिस इज इट फॉर टूडेज लेक्चर थैंक यू